हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने जब अपनी कार स्टार्ट करी ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे राइट वाले फ्रंट राइट टायर में जो है लो प्रेशर इंडिकेशन शो कर रहा है। तो चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उसमें ये लिखा था कि 36-37 PSI तक का प्रेशर आप इसमें डाल लीजिए और उसके बाद इसको चलाइए तो ये ठीक चलेगा। ठीक है, तो अभी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है लो टायर प्रेशर, और ये देखिए फ्रंट व्हील में दिखा रहा है, राइट वाले फ्रंट व्हील में। तो गाइज, मेरे पास अमेजन बेसिक्स की तरफ से आने वाला ये टायर इन्फ्लेटर है। इसकी मदद से मैं अपने गाड़ी के टायर को अब रिफिल करूंगा। मैं पहले क्या करूंगा कि मैं सारी हवा निकाल दूंगा, जीरो कर दूंगा, और उसके बाद वापस इसको मैं लेके जाऊंगा 37 तक, और उसके बाद चला के मैं देखूंगा। ऑब्वियसली इसमें बताया गया है कि कुछ किलोमीटर तक कम से कम 10-12-15 मिनट तक चलाइए, और कहीं 25 की स्पीड से चलाइए, तब जाके इसका ये मॉनिटरिंग सिस्टम रीसेट होता है। तो मैंने बाकी चीज़ें तो ट्राई करके देख ली, इसमें हवा ऑब्वियसली 32 दिखा रहा था ये, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा कि सारी हवा निकाल के और उसके बाद इसमें हवा रिफिल करके और फिर चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोग सॉल्यूशन बता रहे हैं वो कितना कहते हैं जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं इसकी सारी हवा निकाल देता हूँ। इसी जो टायर में है ना एरर दिखा रहा है, हवा निकाल के और फिर उसके बाद मैं पूरी हवा रिफिल करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा टायर फ्लैट हो चुका है। मैंने पूरे टायर की हवा निकाल दी है और अभी जाके मैं इसमें ये कनेक्ट करता हूं और 37 PSI तक मैं इसमें टायर प्रेशर भरूंगा दोस्तों, और फिर उसके बाद चला के देखेंगे कि ये जो फॉल्ट है ठीक होता है कि नहीं होता है। तो चलिए तब तक मैं इसमें ना ये कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो टायर इन्फ्लेटर सिस्टम है इसको कनेक्ट कर लिया है, 0 bar का प्रेशर दिखा रहा है। अब मैं इसको 37 कर देता हूँ। तो 35 मैंने पहले ही सेट कर रखा था, उसको और थोड़ा बढ़ा के ना 37 कर दूंगा, और उसके बाद देखेंगे कि ये फॉल्ट जाता है कि नहीं। आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, मैंने 37 कर दिया और उसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ, PSI पे ले जाता हूँ और इसको मैं आप देख सकते हैं कि 37.5 PSI पे जाके ये कट ऑफ हो गया है। अब मैं जल्दी से इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो गाइस, फिलहाल के लिए इसमें मैंने 37.5 PSI का प्रेशर जिस टायर में ये लो प्रेशर दिखा रहा था उसमें मैंने भर दिया है। अब उसके बाद जो है ना टायर प्रेशर ये शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है ड्राइव टू डिस्क। सिंपल सी बात है, टायर का प्रेशर चेंज हुआ है, तो थोड़ी देर चलाएंगे तब जो TPMS है वो सेंस करेगा और उसके बाद जाके ये हमको रिजल्ट देगा। अब इसमें बताया गया है कि कम से कम इसको 15-20 मिनट तक चलाना है 25 की स्पीड से, तो वो चला के उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये जो सॉल्यूशन बता रहे लोग कि भैया कितना काम करता है और कितना नहीं करता। तो चलिए गाइस, अब गाड़ी को चला के देखते हैं कि इसका जो एरर है, जो टायर प्रेशर का एरर आ रहा था, वो जाता है कि नहीं जाता है। तो दोस्तों, जो टायर प्रेशर पहले लो दिखा रहा था, उसके बाद मैंने 37.5 PSI उसमें हवा भरी और कुछ दूर चलाया, तो ये जो टायर प्रेशर का वार्निंग था ना TPMS वाला वार्निंग, वो चला गया है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गाइस, जो वार्निंग आ रही थी राइट वाले टायर में, अभी वो ठीक आ गया है। अभी इसको क्या है ना, इसका टायर प्रेशर मैं वापस 34 कर दूंगा हवा निकाल के, तो ये मेरा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सेस हवा इसमें भरा था जिससे कि TPMS ठीक से रीसेट हो जाए और ठीक हो जाए। तो दोस्तों, लगे हाथ यू ऐप में भी चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं खोल लेता हूं और देखता हूं कि यहां पे ये रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपका जो पहले था, इसमें जाता हूं और स्टेटस में जाता हूं,
तो जो पहले यहाँ पे रेड दिखा रहा था जो आपका राइट वाला टायर है, अभी देखिए एकदम से ठीक हो गया है और कोई प्रॉब्लम अब इसमें फेस करने को नहीं मिल रही है मेरे को दोस्तों। तो गाइस कुल मिला के मेरा ये जो एरर था ये सॉर्ट आउट हो गया है और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का मिनिमम प्रेशर 35 या टायर प्रेशर 35 बता रहा है तो आप 37.5 रख के चला के देखिए, थोड़ी देर में आपका TPMS सेट हो जाएगा, वापस रीसेट हो जाएगा और उसके बाद वापस आप अपने टायर प्रेशर को लोअर डाउन कर सकते हैं डिजायर्ड वैल्यू तक। तो मेरा तो ये ठीक हो गया है, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि ठीक होता है तो मैंने कहा चलो भाई अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को ये ट्राई करके देख लेना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।